भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए गांधी संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कई आरोप व कटुक्ति किए जाने के विरोध में भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सामने रखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, इसके चलते वे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपिता पूरे विश्व भर में प्रचलित हैं और उनके द्वारा दर्शाए गए मांग पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। हालांकि भाजपा के कुछ हाथोंगिने लोग जय श्री राम व दूसरे कई नारे को सामने रखकर हिंसावादी गतिविधियों के ऊपर चल रहे हैं और एकाएक गांधी जी के आदर्श पर चलने की ढोंग लगाकर सर पे खादी की टोपी और खादी का कपड़ा लगाकर कोई गांधी जी की हत्याकांड को छिपा नहीं सकता। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर भाजपा संस्थान के ऊपर भी उन्होंने आरोप दागे। इसी दौरान हथियार के प्रशिक्षण तथा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने का आरोप भी लगाया। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अपना आरोप दागे। मैंने माननीय सांसद सिलचर के हैं डॉक्टर साहब का आज बयान देखा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का दुरुपयोग किया। मैं माननीय सांसद सिलचर उनसे कहना चाहती हूँ, आप लोगों को 70 साल लग गए राष्ट्रपिता का नाम लेने के लिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वही लोग हैं जिनकी सोच के लिए महात्मा गांधी का हत्या की हत्या गॉडसे ने की। भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ, आपने गांधी टोपी और खादी का कुर्ता तो अपने संकल्प यात्रा में लगाया, पर आप लोगों का क्या काला इतिहास है ये देश जानता है। महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे और आरएसएस बंदूक चलाना और लाठी चलाने की ट्रेनिंग अपनी शाखा में देती है। आज जो महात्मा गांधी का संकल्प यात्रा बीजेपी कर रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी कहते थे मेक इन इंडिया, देश में उत्पादन होना चाहिए, और बराक वैली में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री था कछार पेपर मिल, उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी चालू नहीं कर सकी। स्वच्छ भारत की स्वच्छता ही भगवान है महात्मा गांधी कहते थे, और सिलचर का जो म्यूनिसिपल बोर्ड है उनको शर्म आनी चाहिए, स्वच्छ भारत की 3 करोड़ रुपए वो खर्च नहीं कर पाई। गांधी टोपी और खादी कुर्ते से कोई गांधीवाद नहीं बन सकता। जिस गांधी के इस गार्डन को, गांधी बाग को, पार्क को भारतीय जनता पार्टी के सिलचर का बोर्ड है उसको बेचने का काम कर रही है, आज हमें गांधी पे भाषण ना दें। पंडित नेहरू 9 साल जेल में थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया था आज़ादी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की कौन से नेता या जनसंघ के कौन से नेता है जो गोडसे की मूरत को पूजते हैं, जो जेल गए हैं इस देश की आज़ादी के लिए। अपना अपनी गंदी, उनकी काली अतीत को, उनके काले अतीत को आज टटोलने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलना चाह रही है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको यात्रा करना है, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप लोगों के बीच ले जा सकते हैं? तभी आपको सरदार पटेल और महात्मा गांधी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस में कोई एक ऐसी हस्ती है ही नहीं जिसको लेकर वो जनता के बीच जाए।